नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टू विन, यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट बैचिंग। कंक्रीट करते समय जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं उसका बैचिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। कंक्रीट एक वर्सटाइल, ड्यूरेबल और सस्टेनेबल मटेरियल है और ये इकोनॉमिकल भी है, जो दुनिया में सब जगह यूज़ किया जाता है। इसको सबसे कंक्रीट को अच्छा बनाने के लिए या फिर उसका स्ट्रेंथ, उसका क्वालिटी, उसके लिए उसका बैचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैचिंग मतलब कंक्रीट के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका प्रॉपर प्रपोर्शन, उनका मतलब बैच मतलब वो एक ग्रुप जिसमें जो भी कंक्रीट के मटेरियल्स हैं उनका एक ग्रुप रहता है, उसका प्रॉपर प्रपोर्शन, उसको हम लोग बैचिंग बोलते हैं। बैचिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि अलग अलग जो मटेरियल कंक्रीट के लिए लगता है, जैसे कि सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, ये सब का एक प्रॉपर मेजर लेके या फिर प्रॉपर प्रोपोर्शन लेके एक स्पेसिफिक वेट या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं उसको मिक्स करने के लिए, कंक्रीट मिक्स करने के लिए। वो पर्टिकुलर एक जो भी मेजरमेंट रहता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके लिए ही मेनली बैचिंग इम्पॉर्टेंट है। वो अगर मिसमैच हो गया तो कंक्रीट के ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है। तो स्ट्रक्चर का कोई भी ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट के ऊपर डिपेंड है और कंक्रीट मेनली स्ट्रेंथ या फिर क्वालिटी उसके बैचिंग के ऊपर डिपेंड है। तो बैचिंग कंक्रीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, ये सब का प्रॉपर मेजरमेंट लेके उसको बैचिंग करते हैं, उसके हिसाब से कंक्रीट तैयार करते हैं। अभी बैचिंग में और एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है वाटर सीमेंट रेशो। जैसे कि कंक्रीट में हम लोग कितना पानी डालते हैं पर क्यूबिक मीटर या फिर पर बैच के लिए, तो वो भी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रहता है। तो वाटर सीमेंट रेशो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंक्रीट का मतलब बैचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही एग्रीगेट का जो वेरिएशन रहता है, जैसे एग्रीगेट के साइजेस रहते हैं, उसका साइजेस का वेरिएशन वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही उसका मॉइस्चर कंटेंट भी चेक करते हैं, जैसा अपना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मॉइस्चर कंटेंट भी देखते हैं और इसके हिसाब से वो एग्रीगेट का साइज, एग्रीगेट का मॉइस्चर कंटेंट वो देख के उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। प्रॉपर बैचिंग की वजह से सबसे अच्छा क्या है, बेनिफिट है, तो कंक्रीट का वर्केबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होता है। उसके साथ ही कंक्रीट जो सेग्रीगेशन वगैरह होने के चांसेस है, सेग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट्स एक जगह होता है, सीमेंट और सैंड वाटर एक जगह होता है, पूरा मटेरियल ऐसा डिफरेंट होता है, तो वो अवॉइड करने के लिए बैचिंग ज़रूरी है। उसके साथ ही ब्लीडिंग मतलब कॉन्क्रीटिंग में अगर वाटर एक्सेस हो गया तो पूरा पानी बाहर निकलता है, कॉन्क्रीट एक साइड में आ जाता है, तो वो भी ब्लीडिंग उसको भी अवॉइड करने के लिए बैचिंग बहुत ही ज़रूरी है। और कॉन्क्रीट का जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ आने के लिए भी कॉन्क्रीट का बैचिंग ज़रूरी है। कॉन्क्रीट का बैचिंग होने की वजह से कंस्ट्रक्शन का स्पीड भी इंक्रीज होता है, वेस्टेज भी रिड्यूस होता है, जो इंग्रेडिएंट्स है उनका वेस्टेज भी रिड्यूस होता है। इसके साथ ही बैचिंग की वजह से कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी असर होता है। और प्रॉपर कंक्रीट का जो बैचिंग करते हैं उसकी वजह से जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके वाले मिक्सिंग या फिर उनका प्रपोर्शन या जो भी एरर्स या फिर जो भी मिस्टेक्स रहते हैं वो सब दूर होते हैं। बैचिंग के तीन टाइप्स है जो जनरली अभी कंक्रीटिंग करते समय किए जाते हैं। जैसे पहला है रैंडम वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग ऑफ कंक्रीट। जैसे एक रैंडम वॉल्यूम देखते उसके हिसाब से पूरा इंग्रेडिएंट्स का बैच बना के उसको मिक्सिंग करते हैं। दूसरा है वॉल्यूम बैचिंग कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। इसमें प्रॉपर वॉल्यूम के लिए एक फार्मा वैसा देते हैं और उससे मिक्सिंग बैचिंग करके कंक्रीट मिक्स करते हैं। और तीसरा है वे बैचिंग ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। वे बैचिंग मतलब कंक्रीट के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका प्रॉपर प्रपोर्शन के हिसाब से वेट करके उनको बैचिंग करके उनको मिक्स करते हैं। अभी हम देखेंगे रैंडम वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। इधर आप देख रहे हैं वो एक घमेला जैसे बोलते हैं, उसमें सैंड और एग्रीगेट वो उससे वो मिक्सर में डालते हैं।
ये रैंडम जो वोलेटिलिटी बैचिंग प्रोसेस है ये बहुत जगह पाया जाता था। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो शेप रहता है गमीला जोड़ा वो प्रॉपर नहीं रहता था, तो उसकी वजह से मिक्सिंग में बहुत सारे एरर्स आते थे। तो और ये इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन प्रॉपर नहीं होने की वजह से कॉम्पिटिंग में बहुत एरर आते थे और इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आते थे। तो ये पुराने इसमें जो घमेला से पाया जाता था इसमें बहुत सारे एरर होने की वजह से ये अभी ज़्यादा कोई रेफर नहीं करता। अभी वॉल्यूम बैचिंग ऑफ कॉम्पिटिंग इंग्रेडिएंट्स, अभी वॉल्यूम बैचिंग जैसे इधर एक फार्मा दिख रहे हैं आप, ये फार्मा एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज का फार्मा रहता है, उसी के हिसाब से एग्रीगेट और सैंड दोनों ही हम लोग बैचिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसमें मिक्सिंग करते हैं। जैसे कि अभी एक पैक सीमेंट का वॉल्यूम जैसे 35 लीटर हम लोग कवर करते हैं 35 लीटर के हिसाब से, तो कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट जैसे फाइन एग्रीगेट्स मतलब सैंड हो गया या फिर 10 mm कोर्स एग्रीगेट 20 mm कोर्स एग्रीगेट जो बड़ा 40 mm एग्रीगेट्स हैं, ये पूरा एग्रीगेट्स के फार्मा से मेजर करते हैं। मतलब जो भी प्रोपोर्शन रहेगा जैसे 1:2:4, 1:3:6, इसमें 1 रहेगा सीमेंट, 2 रहेगा सैंड, 4 रहेगा एग्रीगेट्स, तो उस हिसाब से ये प्रोपोर्शन करते हैं। तो ये फार्मा उस हिसाब से यूज़ करते हैं। इसमें वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में पानी जनरली केजी में या फिर लीटर में मेजर करते हैं और इसमें अलग अलग टाइप्स के कैंस वगैरह एक फिक्स वॉल्यूम जो रहता है वो टाइप के कैंस हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में। अभी हम देखेंगे वे बैचिंग। वे बैचिंग में प्रोपोर्शन ऑफ कॉम्प्लीट इंग्रेडिएंट्स है, इनका प्रोपोर्शन जो भी है वो वेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मतलब सबका जैसे एग्रीगेट्स सैंड उनका वेट करके उनका प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं। तो वे बैचिंग एक सिंपल टाइप का बैचिंग है, इसमें एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा रहता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट्स या फिर बहुत सारे छोटे मिनी बैचिंग प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, उसमें ये वे बैचिंग पूरा फॉलो किया जाता है। मेनली मटेरियल इंग्रेडिएंट्स का वेट निकाल के उसके हिसाब से उसका बैचिंग करते हैं और इसमें मशीनरी में बैचिंग भी है या फिर मैन्युअली में बैचिंग भी करते हैं। कभी कभी ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट है, सेमी ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट है, फुल्ली ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट भी है जो आजकल बहुत जगह ये फॉलो करते हैं या फिर ये यूज़ करते हैं। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स। प्रॉपर बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट इम्प्रूव्स वर्कएबिलिटी, जैसे मैंने बोला कि पहले कंक्रीट का वर्कएबिलिटी इम्प्रूव होता है बैचिंग प्रॉपर होने की वजह से। उसके साथ ही कंक्रीट मिक्स मेड बाय बैचिंग प्रोसेस, ये जो कंक्रीट बनता है बैचिंग करने में से ये बहुत ही कोहेसिव रहता है। इसके साथ ही बैचिंग कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स मेनली उसका बल्केज होगा करेक्शन करता है, उसके साथ ही जो एक्सेसिव वाटर लगेगा तो उसको भी अवॉइड करता है, सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग वो दोनों को भी अवॉइड करता है और कंक्रीट का क्वांटिटी इंप्रूव करता है। अगर बैचिंग एरर्स अगर पाए जाते हैं जैसे सीमेंट्स एग्रीगेट्स फाइन एग्रीगेट्स सैंड वगैरह हो गया, तो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट ही प्रॉपर नहीं होता। अगर इसमें बैचिंग ठीक से नहीं हुआ तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से उसका फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आता और उसमें टेक्सचर्स अलग अलग टाइप के आते हैं जो अच्छे नहीं दिखते हैं या फिर वो ख़राब होते हैं। प्रॉपर बैचिंग मेथड हमको चूज़ करना है ताकि हमको प्रॉपर ड्यूरेबल क्वालिटी और स्ट्रेंथ वाला कॉन्क्रीट चाहिए। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन में स्पीड चाहिए जो हम लोगों को टाइम और कॉस्ट दोनों सेव कर सके। बैचिंग हम लोग कॉन्क्रीट के जो मटेरियल उनका इंग्रेडिएंट्स का बैचिंग करते हैं, उसके साथ हम लोग वो मटेरियल्स का वेस्टेज भी मिनिमाइज करते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी हम लोग सेव करते हैं। बैचिंग अगर हम लोग जैसे करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो एक्सपोज कॉन्क्रीट रहता है या फिर उसका फिनिशिंग रहता है उसके लिए अगर प्रॉपर बैचिंग रहेगा तो उसका फिनिशिंग उसका लुक भी अच्छा रहता है। अभी हम देखेंगे अगर बैचिंग प्रॉपर नहीं किया तो क्या इफेक्ट आते हैं या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ पोअर बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स।
सबसे पहले पुअर बैटरिंग ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स मेनली कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है या फिर कम स्ट्रेंथ आती है, और दूसरा उसका मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होता, होमोजीनियस भी नहीं होता, और वर्काबिलिटी खराब हो जाती है, वर्काबिलिटी अच्छी नहीं आती, उसकी वर्काबिलिटी सफर होती है। पुअर बैटरिंग कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्क्रीटिंग स्ट्रक्चर में हनीकॉम्बिंग बहुत होते हैं। जैसे आप साइट के स्ट्रक्चर में देख रहे हो एक पूरा हनीकॉम्बिंग दिख रहा है, मतलब स्टील एक्सपोज है, पूरा एग्रीगेट्स दिख रहा है, पूरा टाइप का मतलब स्ट्रक्चर खराब दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा हनीकॉम्बिंग आया है, मतलब पूर पैकिंग की वजह से। और पूर पैकिंग की वजह से दूसरा और एक है कि पोरस कॉन्क्रीट होता है जो लीकेजेस, मतलब पोरोसिटी होने की वजह से घर में लीकेजेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और पोरस कॉन्क्रीट जो पोर पैकिंग की वजह से होता है पोरस कॉन्क्रीट, ये मेनली रीजन ऑफ करोजन, मतलब इसके वजह से स्टील एक्सपोज होता है, स्टील में करोजन होता है, और अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर का लाइफ भी रिड्यूस होता है और रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बढ़ाता है। तो ट्रेडिशनली बैटरिंग ऑफ कंक्रीट में भी वॉल्यूम से ही करते थे, जैसे मैंने बोला वो गमेलाज हो गया या फिर वो बॉक्स हो गया या उसके वो फार्मा हो गया, उसके हिसाब से उसी से ट्रेडिशनली कंक्रीट करते थे। तो अभी आज के एरा में ज़्यादातर वे बैटरिंग ही फॉलो करते हैं जिसमें एक्यूरेसी वगैरह ज़्यादा है। तो वॉल्यूम बैचिंग कहाँ अलाउ करते हैं, जहाँ वे बैचिंग पॉसिबल नहीं है वो लोकेशन पे या फिर वो जगह पे ही वॉल्यूम बैचिंग अलाउ करते हैं। तो मेनली कंक्रीट का डिज़ाइन वॉल्यूम जो करते हैं वो प्रॉपर डिज़ाइन होना ज़रूरी है, और डिज़ाइन करते समय ऐसा केयर करना है, और बैचिंग करते समय बैचिंग प्रोसेस जो भी है वो डिज़ाइनर रिकमेंड करता है, अगर आप वॉल्यूम करो या वेट करो, बट वी शुड टेक केयर, और डिज़ाइन के हिसाब से वो बोलते हैं कि वॉल्यूम और वे बैचिंग, लेकिन मैक्सिमम आज कल जगह वे बैचिंग ही प्रेफर करते हैं, जैसे वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ता है और क्वालिटी भी बढ़ता है। अभी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो भी मेजर करते हैं उसमें प्लस और माइनस 2% मैक्सिमम, प्लस और माइनस 2% टॉलरेंस, और उसके साथ क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स एडमिक्सचर ऑफ वाटर उसका एक्यूरेसी भी प्लस और माइनस 3% इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा हुआ तो वो प्रॉपरली थोड़ा खराब हो जाता है, इससे ऊपर नीचे नहीं होना है, प्लस और माइनस 2% ऑफ सीमेंट एंड प्लस और माइनस 3% फॉर एग्रीगेट वाटर एंड एडमिक्सचर। तो ये सब चीज़ उनको बैचिंग करते समय ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक बैचिंग ऑफ कंक्रीट। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बैचिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से टाइप के बैचिंग है, और प्रॉपर बैचिंग अगर नहीं किया तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम अपने मेरे अगले वीडियो में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बैचिंग, जैसे वे बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग, इसके बारे में डिटेल क्या क्या है वो सब जानेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, अगर पहली बार अगर आप चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।